स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आई है DRDO की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आ रही है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो गाइज, यहाँ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँगी सारी चीज़ें कि कौन कौन यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गाइज, ये जो है, देखिए यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी निकाली जाती है। एक होती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, परमानेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब निकलती है DRDO में जो परमानेंट होती है। एक होती है अप्रेंटिस। तो गाइस, अप्रेंटिस बेसिकली यहाँ पर जो है कितने ईयर की होती है, 1 ईयर की होती है। और 1 ईयर की जब आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है, ट्रेनिंग के दौरान आप सभी को यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसे हम जो है, जो हमारा सैलरी होता है वो कम होता है, इसे हम स्टाइपेंड बोलते हैं। जब तक हमारा ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है तो हम उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो है स्टाइपेंड के साथ में 1 ईयर के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो होती है हमारी अप्रेंटिस। अब गाइस, यहाँ पर आप सभी की अप्रेंटिस रहने वाली है। गाइस, अप्रेंटिस भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग जब अप्रेंटिस कर लेंगे तो DRDO में गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, और एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो अप्रेंटिस नहीं किए होते उनके। दूसरा प्रेफरेंस यहाँ दी जाती है जहाँ पर हमारे 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस होता है वो, उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है स्पेशली। वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी में, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे आप लोगों के एडवांटेज होते हैं। और हमारे जो हमारे एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि अप्रेंटिस सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है, जो हमारे फ्रेशर हैं उनके लिए ही होती है अप्रेंटिस। अगर जो स्टूडेंट एक बार यहाँ पर अप्लाई मतलब जो है जॉब कर लेते हैं तो वो दोबारा अप्रेंटिस नहीं कर सकते, एक बार ही अप्रेंटिस होता है। तो गाइस, सबसे मेनली यहाँ पर जो आपके, चलिए क्वालिफिकेशन बता देते हैं। जो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, यहाँ गाइस अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BE BTech कर रखा है, BSc कर रखा है तो गाइस आप लोग एलिजिबल हैं, मतलब ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट, आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया में, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, साथ ही गाइस इनका जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू आप लोगों का ऑनलाइन ही रहेगा। तो ज़रूर अप्लाई करें वीडियो को, और वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ। तो गाइस, सीख सकते हैं आप सभी यहाँ जो है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस की तरफ से वैकेंसी है, DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब DRDO की तरफ से वैकेंसी है। ये DRDO के अंडर ही वर्क करती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है गाइस, और यहाँ वैकेंसी जो निकाली गई है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ तो आप लोग को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जो आप लोगों का यहाँ पर DRDO है हैदराबाद में, देखिए हैदराबाद यहाँ पर लोकेशन रहेगी, उसमें आप लोग की DRDO की पोस्ट पर निकाली गई है। 1 ईयर की ये होती है, और आप लोग का ट्रेड वगैरह दिया गया है। अप्रेंटिस यहाँ पर है, देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट है डिग्री वाले, BE है, BTech है, किससे, कंप्यूटर साइंस से, या फिर कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, कई सारी देखिए यहाँ पर दी गई हैं गाइस, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट जितनी भी यहाँ पर आप लोगों की ब्रांच दे रखी है वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और गाइस, 9,000 आप लोग का सैलरी पैकेज रहेगा मंथली। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड है ग्रेजुएट की अप्रेंटिस है, BE वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन, मतलब देखिए यहाँ पर कॉमनली बात मैं बता दूँ आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई एक तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट होता है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, तो पूरा पूरा जो भी इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। 9,000 गाइस आपका सैलरी पैकेज रहेगा। तो अब आपकी नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी ग्रेजुएट वालों के लिए है, BE अप्लाई कर सकते हैं, BTech अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, आप सभी मैकेनिकल ब्रांच से हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमेशन, मरीन मटेरियल, और यहाँ आप लोगों की मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, तो ये सभी जितनी भी मैंने अभी ब्रांच बताई हैं आप लोगों को, आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और गाइज, आप सभी की यहाँ पर सैलरी पैकेज 9,000 रहेगा,
और आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, देखिए फोर्थ नंबर वैकेंसी है टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी जो होती है वो उसमें अप्लाई कर पाते हैं डिप्लोमा वाले। तो अगर आप सभी ने डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए गाइस। अगर आपके पास फुल टाइम है परमानेंट, यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आप लोग का फुल टाइम ही होना चाहिए। हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पर प्राइवेट किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भी दी गई है, 9,000 आप 8,000 आप लोग का सैलरी पैकेज रहेगा, मंथली स्टाइपेंड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की दी गई है, इसमें डिप्लोमा है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, या टेली कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 मेनली सैलरी पैकेज रहेगा, और 8,000 से यहाँ पर जो डिप्लोमा वालों का है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है टेक्नीशियन वालों के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए 8,000 सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो यहाँ सारी ब्रांच मैंने बता दी, जो जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वही अप्लाई करें। सबसे पहले देखिए, जो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या फिर बीई बीटेक कैंडिडेट हैं, उनको MHRD NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको दोबारा नहीं करना है, सिर्फ उनके पास ईमेल आईडी पासवर्ड और प्रिंट होना चाहिए, और जो नहीं किए हैं उनके लिए करना होगा। अब गाइस, आप सभी को इसके पहले अगर आपको नहीं करना आता है यहाँ रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर हाउ टू फिल यहाँ पर फॉर्म, उसमें जो है प्लेलिस्ट होगा, फर्स्ट वीडियो ही दे रखा है। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी इसकी, कि किस तरीके से करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना होगा, DRDO की साइट पर ये साइट दी गई है, इस साइट पर आप लोग अपलोड करेंगे। जब आप लोग अपलोड करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्क्रीन कॉपी करना है, ऑनलाइन फॉर्म में ही सारे करने, हैदराबाद लोकेशन है, और टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, और आपका जो यहाँ पर सलेक्शन होगा, सलेक्शन यहाँ पर होने वाला परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। जैसे BE हो गया, या BTEC हो गया, आप डिप्लोमा हो गए, उसमें जितने भी परसेंटेज गेन किए उसके आधार पर आप सभी को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ओनली फ्रेशर कैंडिडेट जो पास आउट कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई, डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, लेकिन अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह आप सभी से मांग लिया जाएगा। तो ये आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी तब मांगा जाएगा, और आप सभी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सभी। और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, सबसे अच्छी बात ये है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा, वहीं पर कन्फर्म हो जाएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। बाकी आप लोग जो जॉब कर रहे हैं उसी के लिए कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।